हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमन सिंह और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ जीआरसी जाली, एफआरसी जाली, डब्ल्यूबीसी जाली और जो जिस भी तरह की जालियाँ होती हैं उन सब जाली के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपसे पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ कि किस जाली का क्या रेट होता है, क्या स्ट्रेंथ होती है, कैसे क्या फिनिशिंग होती है, किस पे डीको पेंट कराना है, किस पे पीयू पेंट कराना है, किस पे इनेमल पेंट कराना है, क्या बेटर रहता है, क्या अच्छा ऑप्शन है आपका लगाने का और कौन सा लुक ज़्यादा अच्छा निकल के आता है किस जाली का, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि प्राइस क्या है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि बाहर की जो जालियाँ होती हैं, यहाँ मैं अंदर की इंटीरियर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सटीरियर की बात कर रहा हूँ मैं। एक्सटीरियर मतलब घर के बाहर, घर के बाहर कौन कौन सी जाली आप लगा सकते हो, क्योंकि सिंपल सी बात है आप लकड़ी की जाली तो बाहर लगा नहीं सकते हो, प्लाई की जाली तो आप बाहर लगा नहीं सकते हो, क्योंकि लगाओगे धूप पड़ेगी, बारिश होगी, मौसम चेंज होगा, कोहरा होगा, तो उसकी वजह से क्या है वो धीरे धीरे मुश्किल से साल भर के अंदर या फिर 6 महीने के अंदर ही बेकार हो जाएगी लकड़ी की जाली। इस केस में क्या होता है कि जो बाहर की जालियाँ होती हैं उनमें काफ़ी सारी वराइटीज़ आती हैं। सबसे पहले क्या है कि जो आजकल की डेट में सबसे अच्छी जाली लगती है देखने में और थोड़ा रफ एंड टफ लगती है वो होती है जीआरसी जाली, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ये वीडियो देखो आप, इसमें फोटो भी देख लो आप, इसमें क्या है जो जाली आपको दिख रही है ये है जीआरसी जाली, ये होती है ग्लास रेनफोर्स कंक्रीट। जीआरसी का फुल फॉर्म अगर हम बताते हैं आपको तो ग्लास, जी से मतलब ग्लास, आर से रेनफोर्स्ड और सी से कंक्रीट, मतलब एक तरह से इसमें फाइबर की जालियाँ, फाइबर की रेशो होते हैं उसको कंक्रीट से मिक्स करके तब इसको जो है मोल्ड में डाल के तब इसको जाली को बनाया जाता है। अब पूरी डिटेलिंग मुझे भी नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं, मैं आपको खाली एक बता रहा हूँ बात कि ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं क्या मिलाते हैं ये मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ना ही मुझे पता है, लेकिन एक जनरल बात बताता हूँ ना, इस तरह की चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, कि कंक्रीट से ही मतलब एक तरह से सीमेंटेड पार्ट होता है इसके अंदर, फाइबर में, फाइबर में मतलब कोई और नहीं, फाइबर जाली कोई नहीं, फाइबर छोटे छोटे जैसे रेशे होते हैं ग्लास फाइबर, उसके रेशे होते हैं, उसके थ्रू ये बनाई जाती है मोल्ड में डाल के। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी होती है और बहुत ही हैवी जाली होती है। सिंपल सी बात है, ये 1.5 से 2 इंच की जाली, कम 2 इंच की जाली होती है मोटाई में, और डिज़ाइन आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज करा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसके स्टैंडर्ड से आपको लेके चलना है। लेकिन अगर आप कहीं पर बनाते हैं इस जाली को, जैसा कि यहाँ पर देखिए ये जो फ्रेम आपको दिख रहा है, मतलब देखो चारों तरफ ग्रेनाइट लगा हुआ है और ये पूरा लंबाई में देखो लगा हुआ है, तो अगर आप पहले से थोड़ा डिसाइड कर लें कि कितनी चौड़ी जाली आती हैं, कि कंपनियों की काफ़ी सारी कंपनियां होती हैं, काफ़ी लोकल लोग भी बनाते हैं, तो उनसे पहले एक बार डिसाइड कर लें कि कौन सी जाली आपको लगानी है किस डिज़ाइन की और इस डिज़ाइन में ये साइज बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। ऐसा ना हो कि आपने जगह तो छुड़वा दी, हर चीज़ फिनिश हो गई, आप मार्केट गए तो आपको वो कह रहा है नहीं इस तरह जाली तो नहीं बन पाएगी, ये तो ऑर्डर में बनेगी। ऑर्डर में बनेंगे मतलब ऐसा नहीं कि ऑर्डर में 100, 200, 500 रुपये सस्ती महंगी पड़ेगी, ऑर्डर में मतलब ये है कि आपका जो फ्रेम होगा, जितना स्पेस होगा उस स्पेस से आपसे पूरा मोल्ड बनेगा, मतलब उनकी डाई बनेगी एक तरह से, उसके हिसाब से तब आपका ये जाली का पार्ट बनेगा। तो इस केस में क्या है आपसे 2 से 4 गुना खर्चा बैठ जाता है, जो जाली 100 रुपये की आती वही जाली आपकी 400 की पड़ेगी। एक मैं समझाने के तरीके से बता रहा हूँ आपको, अगर तो साइज आप पहले से थोड़ा डिसाइड कर लें, उससे आपसे जो भी चीज़ें कम ज़्यादा करनी हो वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके बाद आप ये जीआरसी जाली आप फाइनल करें। ठीक है, जीआरसी होती ही बड़ी अच्छी है, बाहर धूप पानी बरसात में कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होता है और काफ़ी अच्छी खासी लाइफ होती है, मतलब अगर एक बार लग गई मेरे ख्याल से 20, 30, 40 साल तक कोई जल्दी ख़राब होने वाला नहीं, इसमें कुछ नहीं है, ना ही कोई गल सड़ने वाला ऐसी चीज़ इसमें पड़ी है कि कुछ प्लास्टिक है भी ये सड़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं इसके अंदर। बस इसमें एक मेंटेनेंस काम ये है कि आपको जब इसकी जो व्हाइटनेस दिख रही है, ये व्हाइटनेस अभी जो दिख रही है आपको, तो इसमें आपको पेंट करना पड़ेगा। अब काफ़ी लोग इसमें क्या करते हैं कि डीको पेंट कराते हैं व्हाइट, देखो आपको डीको पेंट कराने की कोई खास जरूरत नहीं, क्योंकि डीको पेंट क्या है, देखो फिनिशिंग तो अच्छी आती है, लेकिन अब डीको पेंट आपने एक बार करा लिया 10 दिन 20 दिन तो अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे डीको पेंट जो होता है वो धूप में जब कंटिन्यू रहेगा तो हल्का सा पीला पना आता है उसमें, तो उसे डीको पेंट ना करना है, और गंदगी जमी हो जमा होगी तो सिंपल बात वो भी और
डिक्यूपमेंट को खराब करेगा। तो आप वहां पे नॉर्मल इनेमल पेंट यूज करें। डिक्यूपमेंट एक तो पहली बार महंगा, करने वाला भी महंगा, उसके बाद आप जब वो पीलापन आ रहे तो फायदा क्या, क्योंकि आप डिक्यूपमेंट एक ही बार यूज करोगे, ऐसा तो है ना कि 6-7 महीने में बार बार उसको कराओगे, क्योंकि महंगा पड़ता है, कॉस्टली होता है, इसलिए एक ही बार यूज करोगे। एक बार आपने अगर डिक्यूपमेंट करा दिया इस जाले के ऊपर तो कम से कम आप 3-4 साल तो नहीं कराओगे, इतना तो श्योर है, क्योंकि कॉस्टली पड़ता है। तो ये सबकी बस की बात नहीं होती कि सब बार बार इसको यूज कराएं, कि हर 6 महीने में डिक्यूपमेंट यूज कराएं इस पर। तो सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है कि आप नॉर्मल इनेमल पेंट यूज कराएं, जैसा कि आपको यहाँ मैंने दिखाया है, ये पेंट है, ये ऐसा पेंट होता है इनेमल पेंट। देखिए इनेमल पेंट भी लीजिए तो आप पहले पता कर लीजिए कि काफी ये सारे इनेमल पेंट जो व्हाइट आते हैं उसमें एक तो नील टाइप, नील मतलब ब्लू स्टोन आती है, जैसा आप पेंट रह रहे हैं तो आपको ब्लू ब्लू दिखाई देगा कि हल्का सा ब्लू टोन आ रही है व्हाइट की, तो आपको ब्लू नहीं लेना है। आपको इस कंपनी का या फिर अलग कंपनी आ रहा है, लेकिन इसी कंपनी का अगर आपको मिल जाए जो मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ, तो ये कंपनी का आप लेते हो इनेमल पेंट और आप कराते हैं तो इसी तरह की फिनिशिंग आपको दिखेगी। इसमें जाली में आपको आपको देखो कहीं से ब्लू टाइप में दिख रहा है कुछ भी, कोई पेंट प्योर व्हाइट दिख रहा है, स्नो व्हाइट जैसे आप कह सकते हैं, एकदम व्हाइट, एकदम प्रॉपर व्हाइट दिख रहा है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो आप बहुत सस्ता पड़ता है, एक तो भाई 300-400 रुपए का 1 लीटर पेंट आता है, शायद सस्ता ही होगा, मैं ज्यादा शायद बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से, और आराम से पेंट वाला एक दिन में करके चला जाएगा। और एक बार करा लिया, साल भर बाद आपको लगता है कि खराब हो रहा है या फिर पीला पड़ रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, गंदगी ज्यादा हो रही, तो हमने फिर से एक बार कोट करा लिया इसको, मतलब सस्ता है टिकाऊ भी है। डेको क्या है, डेको महंगा है और सबके बस की बात है नहीं कि वो आप बार बार उसको कराओ। तो एक तो हो गया जीआरसी, जीआरसी में काम ये है। अब आते हैं एफआरसी, एफआरसी जाली भी फाइबर की होती है, लेकिन इस तरह से प्लास्टिक की जाली कह सकते हैं इसको, अगर नॉर्मल समझना हो कि प्लास्टिक फाइबर होता है, अंदर से हॉलो होती है, जैसे ये जाली आपको दिख रही है, ये एफआरसी जाली है। इसके अंदर क्या है, ये कोई सॉलिड नहीं है, ये हॉलो जाली है और एक तरह से प्लास्टिक की जाली कह सकते हैं इसको, प्लास्टिक टाइप में होती है और इसके ऊपर आपको पेंट करना पड़ता है, लेकिन इसके ऊपर नॉर्मल इनोवेट पेंट करेंगे तब भी थोड़ी सी फिनिशिंग उतनी अच्छी निकल के नहीं आती है। तो लोग ना इस पर पेंट करवाते हैं और ना ही इस पर डिको करवाते हैं, जैसे ही इसकी फिनिशिंग होती है वैसे लगा के छोड़ देते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा यूज होता नहीं है। और कॉस्ट वाइज देखिए तो कॉस्ट भी इसकी जो कॉस्ट होती है और जीआरसी जाले की जो कॉस्ट होती है लगभग सेम ही होती है, 18-20 का अंतर होता है। मतलब अगर जीआरसी जाले 300-400 रुपये स्क्वायर फीट की पड़ रही है तो ये भी 300-350 रुपये स्क्वायर फीट की पड़ेगी, बस 100-150 रुपये के साथ अंतर मिले शायद, वो भी मुझे एग्जैक्ट कन्फर्म नहीं है कि कितना डिफरेंस होगा, शायद बराबर बराबर ही रेट हो, मैं एक अंदाजे से बोल रहा हूँ ये चीज़। तो एफआरसी जाली मुझे तो पसंद नहीं है और मैं ही ना ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये सब जाली आप यूज करें, आप जीआरसी जाली यूज करें, रफ एंड टफ एकदम सॉलिड, ना गलना है ना सड़ना है। अब आते हैं थर्ड जाली जो होती है आपकी डब्ल्यूपीसी की जाली, काफ़ी लोग इसको बोलते हैं पीवीसी की जाली बोलते हैं, डब्ल्यूपीसी जाली मतलब एक तरह से प्लास्टिक की जाली होती है, ठीक है, समझाने के टर्म में एक तरह से प्लास्टिक की जाली होती है। अब इस जाली में देखो इसमें भी कोई खराबी नहीं है, इसकी भी फिनिशिंग अच्छी है, आप सीएनसी कटिंग कराओ बढ़िया से, इसमें क्या है डिज़ाइन आपकी अच्छे अच्छे कट जाती हैं, प्रॉपर फिनिशिंग आती है, लेकिन इसमें कोई 3D लुक नहीं आता है। 3D लुक करना करवाना करवा सकते हैं, लेकिन उसके चार्जेस ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, क्योंकि आपको जीआरसी और एफआरसी जाली में आपको 3D लुक मिलता है, लेकिन आपका डब्ल्यूपीसी और पीवीसी जो जाली सीट होती है इसमें आपको 3D लुक नहीं, इसमें आपको नॉर्मल कटिंग आपको खाली मिलेगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें क्या आपको, क्योंकि ऑलरेडी ये व्हाइट होती है पहले से ही, कुछ जगह क्या है कुछ सीटें होती है जो हल्का सा पीलापन होता है, अगर आपको लगता है कि हाँ पेंट या पॉलिश कराने की जरूरत पड़ेगी तो आप करा सकते हैं, नहीं आपको जरूरत लगे तो ना भी कराएं, और आप अगर इस पर पेंट पॉलिश कराएं तो इनेमल पेंट बिल्कुल भी ना कराएं, डेको पेंट ही कराना, इस पर डेको पेंट अच्छे दिन चलेगा, काफ़ी दिन चलेगा और लगभग साल 2 साल आराम से निपटा देगा, आराम से 2 साल बाद ही कराना होगा आपको डेको पेंट, और ये भी ठीक है, लेकिन है कि लॉन्ग टर्म में अगर देखा है तो मेरे ख्याल से 15-20 साल बाद ये जाली शायद खराब हो सकती है भाई, कुछ ना कुछ प्लास्टिक सीटें सिंपल है, कुछ ना कुछ इसकी डिफेक्ट तो इस पर आएंगे अगर जीआरसी से कंपेयर करते हैं तो। अब आते हैं फोर्थ कि अब भाई स्टील की जालियाँ भी हैं जिसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, और उसके बाद आयरन की भी आप जाली के लेजर कटिंग करा सकते हैं, उसकी भी जाली आप लगा सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरह से कई जालियाँ हैं, इस पर आप इनेबल पेंट कराओ चाहे डेको पेंट कराओ, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो दोस्तों
इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ और कोई क्वेश्चन पूछने हो आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जो करें, सब्सक्राइब जो करें, शेयर जो करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।